One day, the husband-wife duo decided to plant trees to overcome the sadness and empty feeling of their lives. That was around 50 years ago. From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission. A mission to raise as many trees as possible with love and care as their own children. जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब क्या उन्होंने सोचा? One day the husband wife duo decided to plant trees to overcome the sadness and empty feeling of their lives. तो जब उनके यहाँ बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो दोनों पति पत्नी ने ये सोचा कि उनके जीवन में बच्चे के नहीं होने से जो अकेलापन है उस दुख से उबरने के लिए उनको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि हम पेड़ भी लगाते हैं तो उसको भी बच्चों की तरह ही पालना पड़ता है। जब हम पौधा लगाते हैं तो उसको सींचना पड़ता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है उसको। तो इन्होंने सोचा कि उससे थोड़ी हमको खुशी मिलेगी, तो उन्होंने पेड़ लगाने के बारे में सोचा। इट वॉज अराउंड 50 years ago, ये पाठ लिखे जाने के 50 साल पहले की बात है। अभी बुजुर्ग दिख रही है सालों मरादा थी मक्का, तो ये पाठ जब लिखा गया उसके 50 साल पहले की बात है। ये बचपन में शादी हो गई होगी। फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। और उस समय से जब इन्होंने डिसाइड किया पेड़ लगाने के बारे में, उस समय से ये दोनों जो ऑर्डिनरी कपल, साधारण जो पति पत्नी थे, इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा जो मिशन है एक साधारण लोगों के द्वारा, वो शुरू हुआ। और अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस रही। बिना किसी थकान के इन्होंने प्रेम दिया पर्यावरण को, और बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है। और ये मिशन क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? अ मिशन टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल। एक ऐसा मिशन कि इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जाए जितना उनसे हो सके, विथ लव एंड केयर। और पूरे पेड़ कैसे लगाने हैं? प्रेम और ध्यान रखने के साथ में लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया, फिर गाय चर ली या खत्म हो गए, सूख गए, न। पौधा लगाना है और उसकी देखरेख करके उसको बड़ा करना है एज देयर ओन चिल्ड्रन। और किस तरह से बच्चों पौधों को बड़ा करना है? जैसे उनके खुद के बच्चे हों। हर जर्नी टू बिकम सालू मरादा थे मक्का। अब उनकी जो जर्नी है, यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई सालू मरादा थे मक्का बनने की? हमने अभी पढ़ा कि जब जन्म हुआ तब उनका नाम रखा गया थे मक्का, बाद में उनका नाम है सालू मरादा थे मक्का। सालू मरादा शब्द का क्या अर्थ है और कैसे वो सालू मरादा थे मक्का बनी? थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सिलेक्टेड द रोड ऑफ द नेक्स्ट विलेज कुडूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रैवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज। तो थिमक्का जो है और उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने पेड़ लगाने के लिए कहाँ पे सोचा? रोड साइड, सड़क के किनारे। कौन सा विलेज था? कुडूर नाम का विलेज था, गांव था। उसके दोनों तरफ उन्होंने प्लान किया कि यहाँ पे पौधे लगाए जाए। द पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री। और वो जो रोड थी उसमें एक भी पेड़ नहीं था। और वहाँ से जब ट्रैवलर्स निकलते थे, उस जमाने में जब यात्री जाते थे, तो काफ़ी गर्मी के मौसम में उन्हें बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता था। कहीं भी रुक के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जगह वहाँ पर नहीं थी। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फीकस बनियन ट्रीज एज देयर वर प्लेंटी ऑफ फीकस ट्रीज नियर हर विलेज। They grafted 10 saplings in the first year and planted them along a stretch of 4 kilometers on the road that led to Kudur. They increased the number to 15 in the next year. They continued with their efforts and increased the number of saplings with each passing year. अब उन्होंने सोचा कि कुदूर जो गांव है उसकी सड़क पे पेड़ नहीं है, तो सड़क के दोनों तरफ हम पेड़ लगाएंगे। काम उन्होंने कैसे किया? दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स ऑफ फीकस। फीकस यानी बनियन, बनियन यानी बरगद का पेड़। तो जो उसके सैपलिंग्स थे, सैपलिंग्स यानी पौधा,
बनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके पौधे उन्होंने लगाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि एज देर वर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज, क्योंकि उनके गांव के पास में बहुत सारे बरगद के पेड़ थे। तो दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर, पहली साल उन्होंने 10 पौधे लगाए एंड प्लांटेड देम अलॉन्ग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स इन द रोड दैट लेड टू कुदूर। और वो 10 पौधे उन्होंने कुदूर जाने वाले गांव के सड़क के दोनों तरफ 4 किलोमीटर तक के थोड़े थोड़े दूर में जाके लगाए। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। अगली साल उन्होंने 15 पौधे लगाए। दे कंटिन्यूड विद द एफर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर। और हर साल वो फिर अपनी संख्या बढ़ाते गए पेड़ों की, और हर साल वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते गए। पहली साल में 10, अगली साल में 15, और उसके अगले साल और बढ़ा के वो पेड़ लगाते रहे। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने ये काम किया।